हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी नोट्स फॉर योर ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सब के अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, जो भी हमारे चैनल पर नए जुड़ रहे हैं उन सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर NTA UGC नेट से रिलेटेड सारी अपडेट्स मिलती रहती हैं। NTA की तरफ से जो भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आती है हमारे चैनल पर आपको प्रोवाइड की जाती है। तो गाइज, यहाँ पर आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। UGC नेट दिसंबर 2023 की तैयारी कर रहे हो तो जल्दी से आप लोग मेंबरशिप ले सकते हैं, क्योंकि जो भी यहां पर मेंबरशिप लेते हैं, जैसे कि यहां पर आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, इन सबको फ्री लाइव क्लासेस, फ्री स्टडी मटेरियल, बहुत सारे बुक PDF, ये सारी चीजें मिलती हैं। साथ ही डेली बेसिस पे आपको क्विज मिल जाते हैं, जिससे कि आपकी UGC नेट पेपर 1 की पेपर 2 की अच्छी तैयारी हो जाती है। तो चलिए बात करते हैं आज के टॉपिक की, यानी आज कौन सा टॉपिक होने वाला है, NTA की तरफ से कौन सी ऐसी नोटिफिकेशन है जो आई है। तो गाइस, यहाँ पर हम चलते हैं, यहाँ पे लेटेस्ट NTA की तरफ जो इनकी नोटिफिकेशन है इस पे आते हैं। तो यहाँ पर इनवाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर PhD एंट्रेंस टेस्ट, यहाँ पर PhD एंट्रेंस टेस्ट के लिए नोटिफिकेशन आ गया है। अगर आप PhD करना चाहते हैं तो आपके पास मौका आ गया है PhD के फॉर्म फिल करने के लिए। तो चलिए यहाँ से हम लोग ओपन कर लेते हैं रीड मोर करके, यहाँ पर कौन सी नोटिफिकेशन है ये देख सकते हैं। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी, अगर आप जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी या फिर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, भीमराव बाबा अंबेडकर यूनिवर्सिटी में अगर आप PhD का एंट्रेंस टेस्ट देना चाहते हैं, PhD करना चाहते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे फॉर्म फिलिंग का जो इंफॉर्मेशन है वो आ गया है। ऑनलाइन सबमिशन होगा जो एप्लीकेशन फॉर्म थ्रू वेबसाइट, कौन सी वेबसाइट, phd-entrance.summit.ac.in। कई बच्चे जो वेबसाइट है उसको नहीं ढूंढ पाते, उनको लगता है NTA की साइट से ही फिल होगा, बट ऐसा नहीं है। ये जो साइट दे रखी है phd-entrance.summit.ac.in, इस पे आपको लॉग इन करना है, ठीक है। 9 अगस्त से 8 सितंबर तक का टाइम दिया गया है, लास्ट डेट ऑफ पेमेंट है 8 सितंबर की। वहीं आप करेक्शन कर पाएंगे, करेक्शन विंडो ओपन होगी 9 से 11 सितंबर। एडमिट कार्ड वगैरह, डेट ऑफ एग्जामिनेशन, ये सारी चीज़ें आपको बाद में वेबसाइट पर बताई जाएंगी। ड्यूरेशन होगा 180 मिनट का। लैंग्वेज ऑफ द पेपर इंग्लिश ओनली एक्सेप्ट लैंग्वेजेस, ठीक है। अगर कोई लैंग्वेज है, मान लीजिए आपने हिंदी सब्जेक्ट लिया है, तो उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में वो पेपर होगा, अदरवाइज बाकी इंग्लिश में ही आपका पेपर आएगा, ठीक है। यानी अगर कोई आपकी लैंग्वेज वाला क्वेश्चन पेपर है तो उसको आप छोड़ दें, वो आपका उसी लैंग्वेज में आएगा, लेकिन बाकी सारे यहाँ पे क्वेश्चन पेपर इंग्लिश में ही आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो यहाँ से आप लोग, ये जो साइट दी गई है यहाँ से लॉगिन करना है। इसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली पहुंच जाएंगे इसके जो न्यू पोर्टल है उस पे। देख सकते हैं PhD के लिए एक नया पोर्टल बना लिया गया है, एक नई वेबसाइट बनाई गई है, phd-entrance.summit.ac.in, ठीक है। यहाँ पर आपको ये वाला रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्टर पे क्लिक करके इसकी नोटिफिकेशन, इनवाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर PhD इंट्रेंस, इसका जो आपको बुलेटिन है आपको यही मिलेगा, ये देखिए इंफॉर्मेशन बुलेटिन। साथ ही सिलेबस, यहाँ पे आपको सिलेबस भी मिल जाएगा, लेकिन अभी सिलेबस यहाँ पर अपडेटेड नहीं है, अभी टाइम में अपडेट हो जाएगा। तब तक के लिए इन्होंने यही चीज़ कही है कि आप सिलेबस के लिए UGC नेट का सिलेबस जो है वो पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर चलिए थोड़ा सा जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है उसको भी देख लेते हैं। तो डायरेक्टली चलते हैं स्क्रीन पर जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आई है इनकी तरफ से। तो ये रही इन्फॉर्मेशन बुलेटिन NTA की तरफ से जो जारी की गई है PhD इंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं एटलीस्ट वो हम आपको बता देते हैं, बाकी ये पूरा PDF मैं टेलीग्राम पर प्रोवाइड करूंगी, तो आप लोग डायरेक्टली वहां से भी इसको पढ़ सकते हैं, जिससे कि कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे छूटे नहीं। तो चलिए बात करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर जो एब्रीवेशन है, उन्होंने जो शॉर्ट फॉर्म दिए हुए हैं उनके लिए दिया गया है, तो एक बार ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो जैसे कि यहाँ पर PhD एंट्रेंस की बात करी गई है, 9 अगस्त से आपका 8 सितंबर तक की ऑनलाइन सबमिशन, 8 सितंबर 2023 आपका जो है एग्जामिनेशन फीस का जो है लास्ट टाइम, इन्होंने लास्ट टाइम का पीरियड बताया हुआ है। उसके अलावा जनरल वालों की फीस है 1200। फी फॉर एडिशनल टेस्ट पेपर, अगर आपको एडिशनल टेस्ट पेपर चाहिए तो पर टेस्ट पेपर के 800 रुपये आपको एक्स्ट्रा देने होंगे, लेकिन अगर आपको चाहिए हो, ठीक है। अगर OBC NCL जनरल EWS की बात करें तो 1100, SC ST थर्ड जेंडर 1000, PWBD 1000 रुपीज यहाँ पर फीस रखी गई है। आपको ऑनलाइन ही पेमेंट करनी है, अगर आपको उसका टेस्ट पेपर चाहिए एक्स्ट्रा तो आप उसके लिए एक्स्ट्रा पेमेंट कर सकते हैं,
ठीक है। तो यहाँ पे टेस्ट पेपर बाय पेइंग एप्लीकेशन, यानी आपका जो जो फीस है, मान लीजिए जनरल वालों की 1200 फीस है और 1100 ओबीसी एनसीएल, 1000 उसकी फॉर पीएचडी प्रोग्राम, जबकि अगर टेस्ट पेपर चाहिए तो ये है, एन एप्लीकेंट कैन अप्लाई फॉर वन टेस्ट पेपर बाय पेइंग एप्लीकेशन फीस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैक्सिमम 3 टेस्ट पेपर आप ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। करेक्शन विंडो 9 सितंबर से 11 सितंबर की बात है। ड्यूरेशन है 3 घंटे का। शिफ्ट वन शिफ्ट टू में एग्ज़ाम जैसा भी आपका टाइमिंग यहाँ पर बताया जाएगा, जो भी डेट अनाउंस होगी वो भी यहाँ पर इसी ही वेबसाइट पर, एनटीए की साइट पर आपको मिल जाएगी। ऑनलाइन सारा पेमेंट करना है आपको, सबमिशन करना है। चलिए थोड़ा सा रजिस्ट्रेशन करना है, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, जैसे आप यूजीसी नेट सीटेट एग्जाम फिल करते समय करते हैं वही प्रोसेस है। यानी पहले आप जो है रजिस्ट्रेशन नंबर ले लीजिए, उसके बाद फॉर्म फिल करिए, फी पेमेंट, जब फी पेमेंट कर लेंगे तो ही आपका जो फॉर्म है उसको सबमिट माना जाएगा। तो अपना ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि उसी पे ही एप्लीकेशन नंबर आएगा। चलिए थोड़ी सी डिटेल और आगे देखते हैं। चॉइस ऑफ एग्जाम सिटी सेंटर डिस्प्लेड टू द कैंडिडेट विल बी बेस्ड ऑन द परमानेंट कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस फिलिंग ड्यूरिंग। अच्छा, यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है कि यहाँ पर जो आपका चॉइस ऑफ एग्जाम सिटी सेंटर आएगा वो आपकी परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस जो होता है ना, कौन सा आप कॉरेस्पॉन्डेंस का एड्रेस दे रहे हैं, कौन सा परमानेंट एड्रेस दे रहे हैं, उसके आधार पर ही आपका एग्जाम सिटी सेंटर बनाया जाएगा। यहाँ पर इस चीज़ को क्लियरली मेंशन कर दिया है। और देखते हैं भाई, ध्यान से यहाँ पे अपना पूरा डिटेल फिल करना है। याद रखिए एप्लीकेशन फॉर्म करेक्ट होना चाहिए, कोई भी यहाँ पर आपको जो हार्डवेयर कॉपी है नहीं सेंड करनी है, आपको डायरेक्टली जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है ऑनलाइन ही करना है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। जो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो यहाँ पर बाकी और भी चीज़ें हैं जो यहाँ पर करी गई हैं, तो चलिए मोड ऑफ एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर तो जैसा कि बताया इंग्लिश में होगा, अगर कोई डिफरेंट लैंग्वेज में आपका क्वेश्चन पेपर है तो वो उसी लैंग्वेज में होगा, बाकी सारा इंग्लिश में ही होगा। स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन पेपर यहाँ पर आपका बताया गया है, 2 सेक्शन में क्वेश्चन पेपर होंगे। पहले में रिसर्च मेथोलॉजी, यानी जो रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ रहे हैं, रिसर्च मेथोलॉजी है, वहां से क्वेश्चन आएगा। वहीं सेक्शन 2 में आएगा सब्जेक्ट स्पेसिफिक। ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड की बात नहीं करी गई है। सेक्शन 1 यानी पेपर 1 में आपका रिसर्च मेथोलॉजी से क्वेश्चन आएगा, रिसर्च एप्टीट्यूड से। दूसरा, जैसा कि सब्जेक्टिव आपका यूजीसी नेट में होता है सेम चीज होगा। ईच क्वेश्चन पेपर विल हैव 100 MCQs। ठीक है, 100 MCQ क्वेश्चन होंगे इंग्लिश में। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सारे कंपलसरी हैं, 3 घंटे का टाइम है। कैंडिडेट कैन चूज अ मैक्सिमम ऑफ 3 कोर्सेज सब्जेक्ट टू 1 कोर्स इन अ स्लॉट एज पर टाइम टेबल। 3 कोर्सेज को आप एक टाइम पे चूज कर सकते हैं। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर पूरी लिस्ट दी गई है, नेम ऑफ द कोर्स, क्वेश्चन काउंट, टेस्ट पेपर कोड, तो इसको आप लोग एक बारी बुलेटिन को पूरा पढ़ लीजिएगा कि कौन से कोर्स के लिए आपको अप्लाई करना है, उसका कोड क्या है, ये आपको ध्यान रखना है। ये पूरी डिटेल दी गई है, लिस्ट ऑफ पीएचडी कोर्सेज टू बी टेस्टेड अंडर मल्टीपल टेस्ट पेपर कोड्स, मार्किंग सिस्टम, निगेटिव मार्किंग है इसमें। ठीक है, ईच क्वेश्चन जो आपका होगा 4 मार्क्स का होगा, और यहाँ पर फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर 1 मार्क्स जो है, 1 मार्क जो आपका है वो डिडक्ट कर दिया जाएगा टोटल स्कोर से। तो इसलिए ये ध्यान रखना है कि आपका जो पेपर है उसमें निगेटिव मार्किंग भी है। यहाँ पर मल्टीपल शिफ्ट में भी एग्जाम हो सकता है। डेट शीट आपकी वेबसाइट पर अभी अपलोड करी जाएगी, तो उसके लिए आपको कंटिन्यू वेबसाइट चेक करते रहना है। सिलेबस, सिलेबस इसका सिलेबस कहाँ से लिया जाए, इसके क्वेश्चन पेपर, तो वो भी अवेलेबल होंगे आपके इसी साइट पे, यानी phd-entrance.summit.ac.in पे। उसके अलावा जो सिलेबस है, जो यूजीसी नेट का सिलेबस है, वही आपको पढ़ना है। यहाँ पे क्या लिखा है, इट इज प्रपोज दैट द सिलेबी फॉर द सब्जेक्ट वुड बी बेस्ड ऑन द फॉलोइंग। ठीक है, यानी आपका रिसर्च मेथोलॉजी, रिसर्च एप्टीट्यूड से जुड़ा हुआ है, और उसके अलावा अगर आप सब्जेक्ट की बात करते हैं, मान लीजिए आपका पेपर 2 मान लीजिए इंग्लिश है, या पेपर 2 आपका हिस्ट्री है, तो उसके लिए आपको सिलेबस कहाँ से डाउनलोड करना है, ugcnetonline.in, यानी जो ugcnet का सिलेबस है उसको आपको टैली करना है। ये पूरी लिंक दी हुई है, इस बुलेटिन से भी डायरेक्टली आप जा सकते हैं। टाइम टेबल फॉर पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट, वो भी आपको यहाँ पर बताया जाएगा। डे 1 में कौन सा होगा, डे 3, डे 4 में कौन सा एग्जाम होना है,
डेट्स तो बाद में ही आएंगी, एज लिमिट कोई नहीं है यहाँ पर। हालांकि अगर आप पास करते हैं तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जिस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी, मान लीजिए आप दिल्ली यूनिवर्सिटी पे जो है पीएचडी करना चाहते हो, तो ऐसा तो नहीं है कि वहाँ पर कोई एज लिमिट मांगी गई है। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है, क्योंकि ये सिर्फ एंट्रेंस एग्ज़ाम है और एंट्रेंस आप यहाँ पे दे सकते हो और उसकी कोई एज लिमिट नहीं रखी गई है। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं या उसके इक्विवेलेंट आपने एग्जामिनेशन दिया है या अपीयरिंग है 2023 में, तो आप पीएचडी का एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर बाकी आपको ध्यान रखना है कि किस यूनिवर्सिटी से आपने पीएचडी करनी है। वहाँ पे ऐसा तो नहीं है कोई एज मांगी गई है, तो उस चीज़ को आपको कंसिडर भी थोड़ा करना होगा, देखना होगा। ठीक है, बाकी रिजर्वेशन जो है वो भी रिजर्वेशन कोटा वगैरह यहाँ पे रहता है। ईडब्ल्यूएस के लिए 10%, बैकवर्ड नॉन क्रीमी लेयर के लिए 27% रहता है ना। शेड्यूल कास्ट के लिए 15%, शेड्यूल ट्राइब के लिए 7.5 5%, पर्सन विद जो है डिसेबिलिटी यानी पीडब्ल्यूडी। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। मेन चीजें तो जो थी वो मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो जो चीजें रिक्वायर्ड हैं, और बाकी आपको थोड़ा सा इसको उठा करके देखना पड़ेगा, क्योंकि काफी चीजें हैं, काफी इंफॉर्मेशन है जिसको आपको एक बार पढ़ना जरूरी है। चॉइस ऑफ टेस्ट सेंटर सिटीज बाई द कैंडिडेट इज लिमिटेड टू स्टेट ऑफ परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस ओनली। ठीक है, तो इसलिए बहुत ध्यान रखिएगा कि आपका जो कोरस्पोंडेंस एड्रेस है या आप जो वहाँ पे एड्रेस डाल रहे हो वो क्या है, क्योंकि उसी के आधार पर ही ये लोग आपको सिटी सेंटर देंगे एग्जामिनेशन का। एडमिट कार्ड भी जारी किया जाएगा, वो भी आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी जैसे ही आएगा। यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, कोई भी यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन पोस्ट के थ्रू नहीं आएगी। शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन जैसा कि बताया है, ये डेट वगैरह आपके एडमिट कार्ड में, सीबीटी मोड में एग्जाम होगा, शिफ्ट वन शिफ्ट टू में जैसा होगा आपको बताया जाएगा। उसके अलावा ये पूरी टाइमिंग आपको बाद में ही आएगी, पहले नहीं आएगी। तो ये मेन चीज़ें हैं जिसको आपको कंसिडर करना है। बाकी जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी सिट इन द एग्जामिनेशन, अगर आप एग्जामिनेशन की बात करते हैं, जब एग्जाम देने जाते हैं तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, है ना। एडमिट कार्ड, सेल्फ डिक्लेरेशन, आपका वन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। तो जो फोटोग्राफ आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म में फिल कर रहे हैं, ध्यान रखिए उसकी कॉपी अपने पास जरूर रखिएगा, क्योंकि वो आपको अपने एप्लीकेशन, जब आप एडमिट कार्ड लेके जाएंगे अपने एग्जाम देने, वहां पर भी लगानी होगी। उसके अलावा फोटो आईडी आपकी हो गई, है ना, आपका जो पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट है वो आपसे मांगा जा सकता है। ब्लू ब्लैक इंक पेन, आपका बॉल पॉइंट पेन आपसे जो है कहा जाएगा कि एग्जामिनेशन सेंटर पे। बाकी तो गाइडलाइंस है जिसको आप लोग आराम से पढ़ लीजिएगा। ये बुलेटिन अभी मैं थोड़ी देर में ही अपडेट कर दूंगी। ठीक है, मेन जो है एप्लीकेशन फॉर्म का फिल करने वाला, तो आप लोग इसको एक बार चेक कर लीजिएगा। और बाकी की अगर आपकी कोई क्वेरी होती है तो आप हमें डायरेक्टली जो है पूछ सकते हैं, टेलीग्राम के थ्रू पूछ सकते हैं, इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं। तो जल्दी से अगर आप चाहते हैं भाई हम पीएचडी का जो फॉर्म है वो फिल कर दें एंट्रेंस का, जिससे कि जो ये निकली है यहाँ पे जितनी भी यहाँ पर निकला है फॉर्म, जिस जिस यूनिवर्सिटी का, दिल्ली यूनिवर्सिटी का निकला है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का निकला है, भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी का निकला हुआ है, तो यहाँ पर आप लोग अप्लाई कर पाएँ, पीएचडी कर पाएँ। तो चलिए भाई जल्दी से आप लोग इसको चेक कर लीजिए, बाकी के लिए आप लोग हमें डायरेक्टली कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।